हम लोग का संदेश यही देना चाहते हैं कि भाई जब भारत देश में एक प्रकार का कानून है, पूरे भारत देश के साथ नाइंसाफी नहीं होती है, तो आखिर झारखंड के साथ नाइंसाफी क्यों होती है? अभी यहाँ 8 लेन सड़क का निर्माण किया जा रहा है, कई क्षेत्रों में सुनने में आया है कि 3000 प्रति डिसमिल जमीन एक्वायर किया जा रहा है, यानी एकड़ अगर एक एकड़ की बात करें तो 3 लाख। वही आदमी अपनी एक एकड़ जमीन खोने के बाद वापस यदि मार्केट में जमीन खरीदने जाएगा 3 लाख लेके, तो बड़ी मुश्किल से 1 डिसमिल जमीन खरीद पाएगा, यानी 99 डिसमिल जमीन का नुकसान उसको हो रहा है। तो भाई इन चीज़ों को कोई ध्यान में रखता क्यों नहीं है? इतनी अमानवीय व्यवस्थाएं, क्रूरताएं झारखंड के साथ क्यों? और जहां तक हमें समझ में आता है, जो भी आज सड़कों का जाल बिछ रहा है वो किसान कामगारों के लिए नहीं, कॉरपोरेट उद्योगपति अरबपतियों के लिए, क्योंकि बनारस से कलकत्ता तक ऑलरेडी हमारी सड़क है जो बरही चौपारण को छूती है, बगोदर डुमरी तोपचाची बरवड्डा को छूती है, निरसा को छूती है, ऑलरेडी हमारे पास सड़क है। तो ये सोचने का विषय है कि सड़कों का जाल क्यों, किसके लिए? ये सारा जाल केवल और केवल यहाँ की खनिज संपदा को जितना जल्दी हो सके बाहर करके ट्रांसपोर्ट के माध्यम से देश के कोने कोने तक पहुँचाने के लिए। झारखंड भूख में है, झारखंड लाचारी में, झारखंड बेरोजगारी में, तो मुझे लगता है झारखंड को एक बेहतर लीडर की आवश्यकता है जो हमारे लिए लड़ सके, चाहे उसकी प्राणों की आहुति क्यों ना देना पड़े। इसलिए आज हम लोग आए एक माहौल बनाने। देखिए हम लोग तो स्पष्ट बता दिए कि ज़्यादा कुछ करना नहीं होता, बस खाली निष्ठापूर्वक अगर काम करें तो झारखंड में बहुत पैसा है। यहाँ इतना मिनरल्स है, यहाँ इतना प्रकार से सरकार का रिवेन्यू है जो बताने की आवश्यकता नहीं है। बाकायदा हम बार बार बोलते हैं कि झारखंड में कृषि क्षेत्र है, यहाँ हमारे पास इतने डैम है, चांडिल डैम, टेनुघाट डैम, माइथन डैम, पंचेत डैम, नदियों का पानी खेतों में ले जाइए, दूसरी फसल को आमंत्रित दीजिए, इतना सड़क का माया जाल बिछा हुआ है, आप वहाँ ट्रांसपोर्टिंग का माध्यम ले लीजिए, पहाड़ नदी नाला है, पर्यटन को माध्यम लीजिए, बहुत सारा स्कोप है। हम लोग तो शुरू से बोले हैं बसरते विजन होना चाहिए, जो गवर्नमेंट में बैठे लोग हैं उनका विजन होना चाहिए, विजन होगा तो अच्छा से राज्य चलेगा। लेकिन डुमरी में 5 तारीख को चुनाव होने वाला है, ऐसे में जेबी के आपकी क्या? देखिए चूंकि मुझे लगता है राजनीति में हालांकि इमोशन का जगह नहीं होता है, और मेरा भी मानना है राजनीति में इमोशन होना भी नहीं चाहिए, लेकिन डुमरी से हम लोग इसलिए बैक लिए हैं क्योंकि हम लोग का मानना है कि हम लोग यूथ हैं, यूथ यानी एग्रेशन, यूथ यानी समर्पण, यूथ यानी जेद, यूथ यानी जुनून। तो हम लोग एक ऐसी सीट से अपना शुरुआत नहीं करेंगे जो सीट किसी की मृत्यु के बाद खाली हुआ हो। अगर भ्रष्टाचार के मामले में आरोप होता और खाली होता हम लोग लड़ते हैं, और कोई मामला होता हम लोग लड़ते हैं, चूँकि मौत से खाली हुआ है इसीलिए हम लोग अपने स्वाभिमान को, अपने सिद्धांत को ये बात समझा नहीं पा रहे हैं, और हम लोग स्वाभिमान, सिद्धांत और मानवता की राजनीति करेंगे। और इस बात को निश्चित रखिए, हम लोग राजनीति सब कुछ नहीं रहेगा, हमारे लिए मानवता ऊपर रहेगी, हमारा सिद्धांत ऊपर रहेगा, हमारे स्वाभिमान ऊपर रहेगा। दो साल से लगातार आप मुद्दों को उठा रहे हैं, पर डुमरी मुद्दा विहीन हो गया है अब 2 साल लगातार नहीं। मुझे लगता है डुमरी चुनाव से पहले हम वहाँ के जो जनता है उनको संदेश देंगे कि भले दोनों लड़ रही, हम लोग नहीं लड़ रहे हैं, 4-5 लोग लड़ रहे हैं, लेकिन उनको बोलिए मुद्दों पर बात करें, अपने घर की पीड़ा, अपनी समस्याओं पर बात नहीं करें, वो मुद्दों पर बात करें, वो विकास के लिए क्या कार्य करेंगी, क्या कार्य करेंगे उन पर बात करें, ये हम जनता से आह्वान करेंगे। जेबी के विस्तार अलग अलग जिलों में कर रहे हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन का क्या प्रक्रिया? कुछ देखिए पहला बात है कि हम लोग अभी नौसिखिए हैं, हमारे पास बड़े चेहरे नहीं हैं, हमारे पास बड़े लोग नहीं हैं, तो मुझे सूचना मिली है कि रजिस्ट्रेशन में बहुत सारी अड़चनें आएंगी जो पॉलिटिकल पार्टियां, इसलिए हम लोग अंदर खाने से और वकीलों की निगरानी में, उनकी गाइडलाइन में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को बहुत दूर तक लेके जा चुके हैं, बहुत जल्द वो संपादित होगी और सबके सामने होगी। एक प्रश्न सवाल, आप तेलंगाना भी गए थे, हाँ, क्या कुछ प्रॉब्लम हुआ है टाइगर जयराम महतो को? प्रॉब्लम है, बहुत सारी समस्याएँ हैं, फिजिकली मेंटली बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन चूंकि मैं चाहता हूं कि अपनी समस्याओं को अपने भीतर रखें तो बेहतर होगा, क्योंकि जनता मुझे एक मजबूत सार्वजनिक है, आप एक नहीं रह गए आप, क्योंकि इसलिए आप जनता के हैं, हाँ मानते हैं, ये जो है सो सार्वजनिक करना गलत बात नहीं होगा, क्या प्रॉब्लम हो गया आप? देखिए मेरा प्रॉब्लम है कि जो 2 साल से कंटिन्यू एक सबका एक शेड्यूल होता है, सुबह 6 बजे 7 बजे के बीच उठना, मेरा 11 बजे रहा, सोने का टाइम होता है 11 से पहले मेरा 2-3 रहा, यानी हमने समय को ही चैलेंज कर दिया, तो नुकसान होगा, आखिर हम भी तो इंसान हैं। तो उसी के कारण और 2 साल से सफर होने के कारण सर में, गला में, सीना में और 3-4 जगह 7 ऐसी जगह हैं जहाँ समस्याएं हैं, और उसी को लेकर गए थे। आवाज़ नेचुरल है, बाकी हमको भी बहुत बुरा फील हो रहा है, आज लेट से भी इसी कारण आए कि तबीयत खराब था। जयराम आप रोड बनने के खिलाफ में हैं, खदानें खोलने के खिलाफ में हैं, इस तरह से जब आप विधानसभा में चुनकर आएंगे तो आप केंद्र सरकार से पहले ही लड़ सकते हैं और लड़ते रहेंगे, तो फिर झारखंड का विकास कैसे होगा? नहीं नहीं देखिए हम खिलाफ नहीं, हमने बार बार कहा विस्थापित कीजिए ना, अभी बताइए वो पूरा जीवन 3 लाख में सारा पैसा आपका जमीन दे दिया और आप 3 लाख
पॉसिबल या फिर बेहतर स्थापना चलिए हटाइए, हम तो ये बोलें सड़क बनाना है बनाइए, कोयला कोड़ना है कोड़िए, डैम बनाना है डैम बनाइए, उसी अनुपात में उसको जमीन दे दीजिए, उसी अनुपात में जो खाली जगह है आप विस्थापित करके उसको नौकरी चाकरी कुछ मत दे, कोई मुआवजा मत दीजिए, आप जितना जमीन लिए जमीन विस्थापित करके दे दीजिए, तो आपको देना होगा, नहीं तो फिर उस विकास का क्या मतलब है, जहाँ एक आम आदमी दरासातल पे चले जाएगा, एक आम आदमी बर्बाद हो जाएगा, उस विकास का हम समर्थक नहीं हो सकते। लेकिन झारखंड के बने इतना साल हो गए लेकिन विस्थापन नीति के लिए कोई बात नहीं, आज तक विस्थापन नीति नहीं है हमारे पास, विस्थापन नीति नहीं है, बकायदा जो जोबा माननीय मंत्री जी का बयान है कि झारखंड विस्थापन नीति ही नहीं है, तो बनानी चाहिए, आपको बनानी होगी, क्योंकि आज आने वाले 10 सालों में मैं बकायदा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से पूरी झारखंड को संदेश दूंगा, आने वाले 10 सालों में अगर सबसे ज्यादा कोई जिला कोई राज्य विस्थापित होगा तो झारखंड विस्थापित होगा, दामोदर नदी का तलहटी विस्थापित होगा, आने वाले 10 सालों का हम ब्यौरा आपको बता रहे हैं। इसलिए एक बेहतर विस्थापन नीति होनी चाहिए, जमीन के बदले के अनुपात में जमीन होना चाहिए, मुआवजा बेहतर दीजिए, जो मार्केट का रेट है मार्केट की जो जमीन की वैल्यू उसका 4 गुना 2 गुना, और जो नियोजन उसमें अगर सृजन होता है नियोजन कर प्रखंड में है और यहाँ के सीओ पे लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, आपको भी कंप्लेन मिला होगा, हाँ जयराम की तरफ से उन पे कोई आंदोलन किया जाएगा? हाँ बिल्कुल, बहुत जल्द जब हम लोग का समिति का यहाँ विस्तार होगा हम लोग सीओ कार्यालय घराव करने का काम करेंगे, निश्चय ही जनता के साथ हम लोग हैं, और बहुत पीड़ा का विषय है जिनको संवैधानिक जिम्मेवारी मिली है, जिनको जनता को हक अधिकार को सुरक्षित रखने की जिम्मेवारी मिली है, आज वे लोग कहीं बालू चोरी गिट्टी चोरी माने कोयला चोरी में सहयोग कर रहे हैं, लोग जमीन मोटेशन के नाम पर पैसा लेने का काम कर रहे हैं, ये राज्य का दुर्भाग्य है। टाइगर जी आगामी कर्मा पूजा को लेकर के क्या कहिएगा तमाम झारखंड वासियों को? कर्म परब की शुभकामनाएं, कर्म परब का संबंध कर्म से है और उसमें हमारी बहनों को विशेषकर बताया जाता है कि आपका कर्म क्या होगा, आज जो बहनें जवा की माँ के रूप में चिन्हित किए जाएंगे वही एक दिन किसी जीव की माँ के रूप में एक जीव को धारण करेंगे, तो कुल मिलाकर जवा से जीव तक की जो प्रक्रिया होगी उसी पर आधारित ये कर्म पर्व है, फसल पर आधारित ये कर्म पर्व है, अपने कर्म को बताता हो अपने कर्म को बताता हो एक कर्म पर्व है, हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग बोलते हैं 750 सभाएं किए हैं, क्या लगता है 750 सभा के बावजूद भी 2024 में नतीजा कम से कम 35-40 सीट तक सीमित रहेगा, कुछ भी बढ़ेगा ज्यादा? देखिए ये तो हम लोग फेंकने वाले लीडर हैं नहीं, लॉजिकली अगर बात कही जाए तो हम लोग फिलहाल ऐसा लगता है कि 1 दर्जन सीटों पर हम लोग निर्णायक रहेंगे, 40 के लिए थोड़ा संघर्ष करना होगा, और चूंकि 2024 अभी लंबा समय है, यदि जनता का रुझान बदला जनता का मन बदला और जनता ने भरोसा जताया तो हमें लगता है 25 से आंकड़ा होता है वो 30 तक जा सकता है। आगामी शेड्यूल क्या रहेगा जेपी के साथ? देखिए प्रतिक्रिया आती है, जब भी सवाल पूछा गया हम किसी भी सवाल पर खामोश नहीं रहे हैं, हमारी प्रतिक्रिया यही है कि आज झारखंड सरकार को तमाम ये जो अपराध हो रहे हैं उन पर संज्ञान लेते हुए अपराध के मामलों में विशेष विशेष अपराधों के लिए कानून बनाएं और त्वरित सजा का प्रावधान हो ताकि अपराधी डर भय के साथ अपराध करने से संकोच करें। सभी पार्टियों में जिस तरह से गुटबाजी होती है उसी तरह से आपके आपके पार्टी में भी पार्टी बनी नहीं है लेकिन जिस तरह से गुटबाजी की खबरें आ रही है तो उसको आप कैसे निपटेंगे? देखिए स्वाभाविक है, मानव में दोष होता है, अगर मानवीय दोष नहीं होती तो भारत गुलाम नहीं होता, झारखंड को 28 साल नहीं लगता, स्वाभाविक है, इस चीज़ से कोई अस्वीकार भी नहीं करेगा, लेकिन हम लोग प्रयास करेंगे कि हमें जनता ने एक उम्मीद के साथ हम लोग की ओर देख रहे हैं, तो अपने जितने जो भी हमारे साथी हैं उनसे निवेदन करेंगे कि जनता के भरोसे पर उतरने का काम करें। एक संदेश यही होगा कि वह धनुष ही क्या जिसमें ठनकार ना हो, वो घुंघरू ही क्या जिसमें झनकार ना हो, वो कर्जा ही क्या जिसे चुकाने में आभार ना हो, और वो चुनौती ही क्या जो 2024 में स्वीकार ना हो।